Hello students, welcome to the lecture second of the vector spaces of the linear algebra. Students, first lecture में हमने vector spaces की basic concept जैसे internal composition, external composition के बारे में study किया, vector space की definition की और कुछ examples solve किए थे. आज इस lecture में हम vector spaces के basis पर कुछ और examples solve करेंगे. तो आइए देखते हैं कुछ लेटेस्ट एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एग्जांपल लिया है, प्रूव दैट द सेट ऑफ सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रूव दैट द सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आर इज ए वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्टूडेंट्स क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें शो करना है सपोज सी इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स. वी हैव टू शो, हमें शो करना है सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है वो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो हमें पता है स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी शो करनी होगी. सबसे पहले हमें दिखाना होगा सी प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, सी प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप सबसे पहले हमें शो करना होगा. नेक्स्ट हमें शो करना होगा सी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, सी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन. और उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे अल्फा प्लस बीटा इनटू ए इक्वल्स टू, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज और वन डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, ये सब हमें सेटिस्फाई करने होंगे. तो लेकिन सबसे पहले क्या आता है सी प्लस इज एन एबेलियन, तो यही हम स्टार्ट करते हैं. अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं आर इज ए सब फील्ड ऑफ सी, क्योंकि आर जो कंटेन करता है सी में, सी इज द लार्जेस्ट सेट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है वो सबसे बड़ा होता है, फील्ड भी है. तो आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो आर में कंटेन करता है, सॉरी आर सी में कंटेन करता है. तो इसका मतलब आर इज ए सब फील्ड ऑफ सी. जब हमने कहा आर सब फील्ड है तो इट मीन्स ये फील्ड भी होगा अपने आप में एक फील्ड होगा. तो दिस मीन्स सी प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, ये हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सी प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप. अगर आप प्रूव भी करना चाहें तो हम इसे सिंपली प्रूव कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या होगा, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे जेड वन और जेड टू बिलोंग्स टू सी. जब हम इनका सम करेंगे जेड वन प्लस जेड टू तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, सी में बिलोंग करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम फिर सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव सेटिस्फाई कराना चाहें तो एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम इजीली शो कर सकते हैं इसमें. थर्ड होता है कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए हमें सीधा पता है जीरो प्लस जीरो आई, ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा. इसी तरीके से इनवर्स, अगर एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस एक्स माइनस आई वाई इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा. तो फ्रेंड सी प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, अगर हम चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि आर इज ए सब फील्ड ऑफ सी, नहीं तो ये प्रॉपर्टी हम ईजिली वेरीफाई करके दिखा सकते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एबेलियन ग्रुप वाली वेरीफाई हो जाती है. नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है हमें चेक करना है, वी विल चेक दैट सी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी से चेक करते हैं. वी हैव टू चेक सी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हमारे पास जो सेट है वो है सी आर. तो हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं आर का और एक जेड ले लेते हैं सी का, जेड या अल्फा जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं. तो ए डॉट जेड जो होगा वो सी में बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं ए इंटू एक्स प्लस आई वाई तो ये नया एलिमेंट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, सी में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई होती है. तो हम इजीली बोल सकते हैं सी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वही हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स करके दिखाया, आप चेक कर सकते हैं.
अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है, इसमें आगे फर्दर चार प्रॉपर्टी होती है, हम करके दिखाते हैं। हमने माना लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड जेड वन जेड टू दो एलिमेंट है कोई सी के, देन ए इज स्केलर बिलोंग्स टू द आर यानी कि फील्ड। हमें करना है ए डॉट जेड वन प्लस जेड टू, ईजिली ये हो जाएगा ए जेड वन प्लस ए जेड टू, ए जेड वन प्लस ए जेड टू। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम वेरीफाई करा के देख सकते हैं क्योंकि जेड वन जेड टू एलिमेंट होंगे सी के, सी है हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी है ए और बी हम दो स्केलर लेते हैं आर के और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन में, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा ए जेड वन प्लस बी जेड वन। ये दोनों हैं स्टूडेंट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ की, इसमें हमें क्या करना होता है ए बी जेड वन ये किसके इक्वल होगा, ए बी इंटू जेड वन, ये होगा कम्यूटेटिव। ए और बी हमारे स्केलर हैं तो ए बी एक साथ और जेड वन एक साथ, ये हो जाएगा हमारा कम्यूटेटिव लॉ। जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें हमें बताया बाय द डेफिनेशन, लास्ट प्रॉपर्टी में हमें दिखाना होता है वन डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, जहाँ पे वन तो यूनिटी एलिमेंट होता है फील्ड का और अल्फा होता है कोई भी वेक्टर वी का एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने जेड वन तो सी का एलिमेंट है, वन यूनिटी है फील्ड का, तो वन डॉट जेड वन हमारे पास जेड वन ही आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्टूडेंट्स सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं वेक्टर स्पेसिस की। हमें क्या शो करना था, हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी इज ए फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने इसमें क्या किया फ्रेंड स्टूडेंट्स, पहले तो हमने सी को एबेलियन ग्रुप प्रूव किया, उसके बाद हमने चेक किया सी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में या नहीं है वो चेक किया हमने। नेक्स्ट हमने चेक किया ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज जो थर्ड में होते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हो है, कम्यूटेटिव हो रही है, आइडेंटिटी वाला लॉ। तो इस तरीके से हमने वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब सी आर इज ए वेक्टर स्पेस, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इसमें हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट एवरी फील्ड फॉर्म से वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, यानी कि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं If F is any field, then F F is a vector space. ये important theorem है, exam में पूछी जाती है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने मान लिया लेट F be a field, क्योंकि अभी इसमें एक ही सेट है, F को हमें वेक्टर स्पेस शो करना है ओवर द फील्ड F, सेम सेट है। तो इसमें जो हमारा प्लस ये ऑपरेशन है इसे हम इंटरनल कंपोजिशन लेंगे ओवर F, एंड डॉट को हम लेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन ओवर द F, वही हमने लिखा हुआ है। We will take addition of the field F as internal composition in the set F of vectors. यहाँ नोट करने चीज़ है कि हम सेट ऑफ वैक्टर्स भी बोल रहे हो, क्योंकि हमें वैक्टर स्पेस प्रूव करना है इस F को, वैक्टर स्पेस प्रूव करना है F को और ओवर द फील्ड F, तो यही तो स्केलर का सेट रहेगा और यही हमारा रहेगा वैक्टर्स का सेट। तो जो इसकी प्लस ऑपरेशन है ये तो इंटरनल कंपोजिशन होगा ओवर एफ, यानी कि ऑल द सेट इन द सेट एफ ओ वेक्टर्स, और जो इसका डॉट ऑपरेशन होगा वो एक्सटर्नल कंपोजिशन बन जाएगा इन द सेट एफ ओ वेक्टर्स ओवर एफ, यही हमने लिखा है इन द सेट एफ ओ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फील्ड एफ एज अ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट एफ ओ वेक्टर्स ओवर एफ, ये हमने इसमें लिख दिया। वही वेक्टर स्पेस के लिए हमें सेम प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होगी, जैसे एफ को एबेलियन ग्रुप दिखाना होगा, एफ प्लस को एबेलियन दिखाना होगा, फिर एफ को दिखाना होगा ये क्लोज है, और फिर वही चार बेसिक प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स वो हम स्टार्ट करते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एफ इज ए फील्ड एंड प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन इन एफ,
स्टूडेंट्स हमें पता है एवरी फील्ड इज एन एबेलियन ग्रुप, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्या है एफ जो हमें वेक्टर स्पेस किसे प्रूव करना है, एफ ओवर एफ को हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, और एफ यहाँ पे क्या है एफ एक फील्ड है, तो अगर फील्ड है तो ये ऑब्वियसली बात है एबेलियन ग्रुप भी होगा, दिस इंप्लाइज एफ इज एन एबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट हमें क्या शो करना होगा, एफ इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एफ इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बड़ा ईजी है अभी, इसमें हमने ए एलिमेंट को स्केलर लिया एफ में, बी एलिमेंट को वेक्टर लिया ये भी एफ में लिया, तो अगर हम इनके बीच में प्रोडक्ट करते हैं नया एलिमेंट एफ में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों ए की सेट है एफ के एलिमेंट है, तो ये नया एलिमेंट एफ में ही आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एफ इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरी प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। अब आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी बड़ी ईजी है, आराम से सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमने तीन एलिमेंट ले लिए एफ में, ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, देन वी हैव ए इंटू बी प्लस सी, ये मस्ट बी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, सिमिलरली ए प्लस बी डॉट सी ये होगा ए सी प्लस बी सी के इक्वल, एंड दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी सी ये होगा ए बी डॉट सी के इक्वल, एंड लास्ट प्रॉपर्टी वन डॉट ए इक्वल्स टू ए। तो स्टूडेंट्स हमने सभी प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई कर ली है, तो इसका मतलब एफ एफ इज ए वेक्टर स्पेस, या हम कह सकते हैं एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू शो एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, या एफ एफ इज ए वेक्टर स्पेस वेयर एफ प्लस डॉट इज ए फील्ड, तो हमने ए सेट है एफ फील्ड है, तो हमें इसे ही एफ ओवर एफ को ही वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, यह मैंने आपको बताया है प्लस और डॉट को, प्लस को लेंगे इंटरनल कंपोजिशन इन द सेट एफ ऑफ वेक्टर्स, और डॉट को लेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन इन द सेट एफ ऑफ वेक्टर्स, फिर एफ प्लस को हमें एबेलियन ग्रुप दिखाना होगा, तो हमें पता है क्योंकि एफ फील्ड है तो ये एबेलियन ग्रुप हो गए डायरेक्टली हमने लिख दिया, फिर हमने चेक किया एफ इज क्लोज फॉर द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये भी बड़ा ईजी है, ए और बी दो एलिमेंट लेंगे एफ के और दिखा देंगे ए डॉट बी बिलोंग्स टू एफ। नेक्स्ट ये जो छोटे छोटे चार प्रॉपर्टीज हैं इन्हें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, सिमिलरली ए प्लस बी डॉट सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, एंड ए इंटू बी सी इक्वल होगा ए बी सी के, लास्ट प्रॉपर्टीज वन डॉट ए इक्वल होगा ए के, तो ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं, सो वी कैन से एफ एफ इज ए वेक्टर स्पेस और एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम आर सेट ऑफ रियल नंबर्स फील्ड होता है, तो हम लिख सकते हैं आर आर वेक्टर स्पेस होगा, फिर हमें पता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड होता है, तो सी सी भी वेक्टर स्पेस होगा, इससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या शो करना है, एक हमें सेट गिवन है बी इक्वल्स टू ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, और जो फील्ड हमें गिवन है एफ इक्वल्स टू आर, फील्ड गिवन है हमें एफ इक्वल्स टू आर, हमें शो क्या करना है, शो दैट वी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, V is not a vector space under addition and scalar multiplication, जो ऑपरेशन से दो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में ये है और दूसरा पार्ट ये है, करना क्या है यहाँ पे, हमें एक सेट दे दिया V, V में से ऑर्डर पेयर टाइप एलिमेंट है, यहाँ पे A, B बिलोंग करते हैं R के, और जो फील्ड है हमारा वो भी रियल नंबर्स का फील्ड है, फिर जो उसमें वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया है वो ऐसे किया है, अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं ए बी और सी डी बी के, तो वो हो जाते हैं ए प्लस सी एंड बी प्लस डी, और फिर कोई एक स्केलर लेते हैं के फील्ड का और एक ए बी एलिमेंट लेते हैं बी का, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो के ए बी इक्वल्स टू जीरो के, ये यूजर डिफाइंड ऑपरेशन है, हम यहाँ डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि फील्ड ऑफ रियल नंबर्स वाले ऑपरेशन चलेंगे या सिंपली मल्टीप्लिकेशन चलेगा, क्या होता है इसमें के कोई स्केलर है और ए बी कोई एलिमेंट है बी का,
तो जब हम के ए बी पे अप्लाई होता है तो ए बना देगा जीरो एंड ए बी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को तो जीरो बना देगा और फिर दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कैसे हम इसे प्रूव करेंगे वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो ये बड़ा ईजी है, इसमें हमने ले लिया फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी एंड वन बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर फील्ड है तो इसमें वन ऑब्वियसली बिलोंग करेगा, यूनिटी एलिमेंट होगा और ए बी हमारा बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस बी में, सॉरी सेट बी में, एंड वन बिलोंग्स टू आर। देन वन इंटू ए बी ये किसके इक्वल होगा, अगर हमें इसे वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो हमें पता है वन डॉट अल्फा इक्वल्स टू होना चाहिए अल्फा के, जहाँ अल्फा सेट बी का एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वन डॉट ए बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट से, जीरो एन के, ये इक्वल आएगा जीरो बी के, विच इज नॉट इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती वन डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, हैंस वी कैन से दैट V is not a vector space under the composition defined in A। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ए प्लस एबिलियन ग्रुप है या नहीं है, ये हम डायरेक्टली यहाँ से चेक करके बता सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की हेल्प से। जो भी वेक्टर स्पेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें कोई भी अगर डिस्प्रूव होती है इन्हें देख के, तो हम वहाँ से डायरेक्टली करके दिखा सकते हैं, नहीं तो हमें बहुत ही लेंथी क्वेश्चन करना होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ से हमने छोटी सी प्रॉपर्टी अप्लाई की और ये इसे दिखा दिया v इज नॉट ए वेक्टर स्पेस अंडर द गिवन कंपोजिशन डिफाइंड ए। अब जो सेकंड कंपोजिशन इसे डिफाइन की है, सेट तो वही है, इसमें वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। दूसरा जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, के ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ए फर्स्ट एलिमेंट में तो मल्टीप्लाई हो जाता है और सेकंड एज इट इज़ रहता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाता था और सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाता था, तो इसे भी हम ऐसे डिस्प्रूव करेंगे। तो कैसे होगा, हमने ले लिया ए बी बी का एलिमेंट है और के वन के टू हैं आर के एलिमेंट, तो एक प्रॉपर्टी हमें पता है ए प्लस बी अल्फा वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, ये होती है ए अल्फा प्लस बी अल्फा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया के वन के टू दो फील्ड के एलिमेंट, यानी कि आर के एलिमेंट में हमने के वन प्लस के टू इंटू ए बी, तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये बन जाएगा के ए बी, तो ये क्या होगा, जो ये के वन प्लस के टू है ये ए के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी को एज इट इज छोड़ देगा, ये यहाँ पे के वन प्लस के टू ए एंड बी। ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स, जो हमें इसने डेफिनेशन दी हुई है के ए बी की, यानी कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, उसमें क्या होता है के ए बन जाता है और साथ में बी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया के वन प्लस के टू ए कोमा बी, अब जब यहाँ पे के वन प्लस के टू ए है तो ये मल्टीप्लाई ए अंदर हो जाएगा, यहाँ पे के वन ए प्लस के टू ए बना देगा और बी को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस बी। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, के वन ए जीरो एंड के टू ए बी, के वन ए जीरो के टू ए बी। अब जो इसने हमें वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन दी है ए प्लस सी बी प्लस डी, अगर हम दो टप्पल्स को ऐड करते हैं ए बी और सी डी को तो ए प्लस सी और बी प्लस डी आता है, तो ऐसे ही दो प्लस ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं के वन, ये तो उसके हेल्प से हमने लिख दिया। अब जो के वन ए जीरो बन गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं के वन ए जीरो प्लस के टू ए बी, इस डेफिनेशन से के ए बी वाली से यहाँ पे लिख दिया। जबकि अगर इसे वेक्टर स्पेस होना है तो ये वैल्यूज आने किसके इक्वल आनी चाहिए, के वन ए बी प्लस के टू ए बी, अगर इसे वेक्टर स्पेस होना था तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, लेकिन ये स्टूडेंट्स आई किसके इक्वल, इनके, तो हम कह सकते हैं वी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड इन बी, क्योंकि हम क्या लेके चले थे यहाँ पे, हमने लिया था के वन प्लस के टू ए बी, तो अगर ये वेक्टर स्पेस होता तो ये आता k1 ऑफ ए बी प्लस k2 ऑफ ए बी, लेकिन ये आया किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि v इज नॉट ए वेक्टर स्पेस अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी तरीके से यहाँ कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन लिखे हैं, हम ये भी ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे सेट तो वही है, वेक्टर एडिशन भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे
ये प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज है, सेकंड एलिमेंट को ही जीरो बनाता है, तो इसे भी हम बिल्कुल वैसे कर देते हैं, वन डॉट ए बी जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, जबकि होना चाहिए था ए बी। तो इस तरीके से ये भी वेक्टर स्पेस नहीं होंगे, ऐसे ही हम इस दूसरे पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट वी ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म 2x2 फॉर्म के एक मैट्रिसेस लिया हुआ है इसने, एक्स जीरो जीरो वाई टाइप का एक सेट है वी, सच दैट एक्स वाई क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या शो करना चाह रहा है, प्रूव दैट द सेट वी ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म एक सेट है वेयर एक्स वाई आर कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर सी विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें हम सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे दो एलिमेंट ले लेंगे कोई, सबसे पहले हमें दिखाना क्या होगा, बी प्लस को एबिलियन दिखाना होगा, बी प्लस इज एबिलियन, एबिलियन दिखाने के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे वी वन वी टू, सपोज बिलोंग्स टू वी, वी वन में क्या होगा यहाँ पे एक्स वन ले लेंगे वाई वन ले लेंगे, तो जब हम वी वन प्लस वी टू करेंगे तो ये भी इसी टाइप का एक मैट्रिक्स आएगा, कैसा, एक्स वन प्लस एक्स टू जीरो जीरो वाई वन प्लस वाई टू, जो कि जो सी में ही बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम दूसरी प्रॉपर्टी करेंगे एसोसिएटिव, उसमें क्या होगा, हम तीन एलिमेंट तीन मैट्रिक्स लेंगे वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये किसके ऊपर होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन वैसे भी एसोसिएटिव होता है तो मैट्रिक्स में सेटिस्फाई हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी इसमें होगी वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी, हम ले लेंगे जीरो प्लस जीरो आई जीरो 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 प्लस जीरो आई, ये इसमें आइडेंटिटी हो जाएगा। ऐसे इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, तो वी प्लस क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ले रहे हैं तो वी प्लस बहुत ही इजीली एबिलियन ग्रुप हम प्रूव कर देंगे। इसी तरीके से हम इसे क्लोज भी दिखा सकते हैं, ओवर किसी भी स्केलर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तब भी ये मैट्रिक्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट बना रहेगा, एक्स वाई क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तब भी कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। जो बाकी की प्रॉपर्टी हैं ए प्लस बी अल्फा या अल्फा प्लस बीटा है वो बड़े सिंपल हैं, उन्हें हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी, और इससे आगे की थ्योरम्स और वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।